दोस्तों, आज इस वीडियो में हम महाराणा प्रताप से जुड़े 20 ऐसे तथ्यों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिससे आपके होश उड़ जाएंगे। नंबर 1, महाराणा प्रताप का जन्म मेवाड़ में 9 मई 1540 को हुआ। उनका पूरा नाम महाराणा प्रताप सिसोदिया था। नंबर 2, महाराणा प्रताप 7 फीट 5 इंच के लंबे कद काठी के वीर पुरुष थे। नंबर 3, इनका वजन 110 किलो था। एक महान और वीर सैनिक में जो शारीरिक योग्यता होनी चाहिए वह सब महाराणा प्रताप के अंदर थी। नंबर 4, महाराणा प्रताप के भाले का वजन 81 किलो था जो एक ही बार में दुश्मन की जान ले लेता था। उनकी छाती के कवच का वजन 72 केजी था। नंबर 5, महाराणा प्रताप भाला, ढाल, 2 तलवारें, कवच को लेकर युद्ध में जाते थे जिनका कुल वजन 208 किलो होता था। नंबर 6, महान सम्राट अकबर भी महाराणा प्रताप की वीरता से बहुत प्रभावित था। उसने महाराणा प्रताप को प्रस्ताव दिया था कि यदि वे उसके सामने झुक जाते हैं तो आधा भारत महाराणा प्रताप का हो जाएगा, परंतु उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। महाराणा प्रताप ने कहा कि वो मरते दम तक कभी भी अपना सिर मुगलों के सामने नहीं झुकाएंगे। नंबर 7, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक भी बहुत चर्चित है। उसकी कई कहानियां सुनने को मिलती हैं। चेतक एक बहुत ही ताकतवर घोड़ा था। दौड़ते वक्त उसकी रफ्तार बहुत ही तेज़ हो जाती थी। नंबर 8, एक बार युद्ध में चेतक ने अपना पैर हाथी के सर पर रख दिया था। घायल महाराणा प्रताप को लेकर 26 फीट की लंबे नाल के ऊपर से कूद गया था। हर युद्ध में चेतक घोड़े ने महाराणा प्रताप का बहुत साथ निभाया था। नंबर 9, मायरा की गुफा में महाराणा प्रताप ने कई दिनों तक घास की रोटियां खाकर अपना गुजारा किया था। नंबर 10, हल्दीघाटी में महाराणा प्रताप और सम्राट अकबर के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में 300 साल हो चुके हैं और आज भी इस युद्ध के मैदान में तलवारें पाई जाती हैं। हल्दीघाटी का युद्ध ना तो अकबर ने जीता ना ही महाराणा प्रताप ने। नंबर 11, सम्राट अकबर ने 30 सालों तक महाराणा प्रताप को बंदी बनाने की कोशिश की, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। नंबर 12, महाराणा प्रताप की मृत्यु 29 जनवरी 1597 को हुई थी। शिकार करते समय वह दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। नंबर 13, जब महाराणा प्रताप की मौत की खबर अकबर ने सुनी तो अकबर रो पड़ा था। नंबर 14, हल्दीघाटी के युद्ध में हकीम खां सूरी महाराणा प्रताप की फौज का एकमात्र मुस्लिम सरदार था। हल्दीघाटी का युद्ध 15 जून 1586 ईस्वी को हुआ था। इस युद्ध में सम्राट अकबर के पास 85,000 सैनिक थे जबकि महाराणा प्रताप के पास सिर्फ 20,000 सैनिक थे। इसके बावजूद महाराणा प्रताप ने अकबर से संघर्ष करते रहे और वह कभी पीछे नहीं हटे। नंबर 15, महाराणा प्रताप के 17 बेटे और 5 बेटियां थी। युद्ध में महाराणा प्रताप 2 तलवारें रखते थे। यदि उनके दुश्मन के पास तलवार नहीं होती थी तो अपनी 1 तलवार उसे देते थे जिससे युद्ध का बराबरी का हो। इससे पता चलता है कि महाराणा प्रताप एक न्यायप्रिय राजा थे। नंबर 16, सम्राट अकबर ने एक बार कहा था कि महाराणा प्रताप और जयमल यदि एक साथ हो जाए तो वह अकबर विश्व का सबसे शक्तिशाली राजा बन सकता था। नंबर 17, अकबर को सपने में महाराणा प्रताप दिखाई देते थे। नंबर 18, महाराणा प्रताप की तरह उनके सेनापति और सैनिक भी बहुत वीर थे। उनका एक सेनापति युद्ध में सिर कटने के बाद भी लड़ता रहा। नंबर 19, सम्राट अकबर से लोहा लेने के लिए महाराणा प्रताप ने अपना महल त्याग दिया और दिन रात युद्ध की तैयारी में जुट गए।
लोहार जाति के हजारों लोगों को भी अपने साथ शामिल कर दिया और दिन रात तलवारें बनाने का काम किया। यह लोहार जाति आजकल हरियाणा राजस्थान में रहती हैं, जिसे गाड़िया लोहार कहते हैं। नंबर 20, महाराणा प्रताप राज्य के भील जाति के लोग जो उस समय में जंगल में रहा करते थे, वो अपने को अपना बेटा मानते थे और सभी भील जाति के लोग महाराणा प्रताप से बहुत प्रेम करते थे। महाराणा प्रताप का भी दिल बहुत ही बड़ा था और हमेशा वो उनकी इज्जत करते थे और महाराणा प्रताप का दिल से स्वागत किया जाता था। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।